जो बाबू जी हमारे बंटो भी है ठंडी डाल ले लेंगे उनके सानिध्य में कई सालों से है अभी भी वर्तमान है वो काम कर रहे हैं और मैं जितना समझ पाता हूं जब भी ऐसा अवसर आया कि कभी किसी को रोजगार देना है मैं भीतर विधानसभा गया पहली बार जब मैं विधानसभा में कदम रखा तो वहां पे हमारे सिख समाज के बहुत सारे बंधु मिले और मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ काम पर कैसे रोकने लगी तो बताया कि सब मोहन भैया का आशीर्वाद है उनके आशीर्वाद से आप सबसे बाकी रही तो कहीं ना कहीं उनका विशेष आशीर्वाद हम सबसे रहा है और आज हम सब सौभाग्यशाली के प्रदेश में ऐसे नेता जो हमारे संरक्षक के रूप में है हमारे समाज के संरक्षक के रूप में है मैं समझता हूँ कि समाज का ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भैया के पास गया होगा उसका काम पूरा ना हुआ होगा सबका काम भैया करते खुले मन से करते हैं आप बड़ा काम लेके जाते हैं भैया के लिए छोटा काम रहता है एक ही को कमाते हैं और निश्चित रूप से भैया सब लोग का सारा काम कर लेते हैं हमारा समाज का जो योगदान है इस प्रदेश में उसको भैया हमेशा याद रखते हैं हमारे समाज की क्या ताकत है भैया हमेशा कई बार मंचों पे कह चुके हैं भैया का आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे 16 अप्रैल को हम लोग शहीद जयंती मनाने जा रहे हैं उसमें भी आपका योगदान हो और ये एक विषय का चर्चा करना था क्योंकि पर्सनल विषय था लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि आप विधानसभा में आज 40 वर्षों से ज्यादा समय आपको हो चुका है कुछ विषय है मैं भैया